की अहम खबर किसानों के नाल जुड़ी हुई जो हुण एक चोण निशान के उपर मैदान च नहीं उतरनगे बल्कि अलग अलग चोण निशान होणगे। दरअसल किसानों की जो संयुक्त समाज मोर्चा नूं पार्टी के वजो जो मानता नहीं मिली रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकी एक चोण निशान नहीं मिलिया जिदे बाद हुण वड्डी खबर कि संयुक्त समाज मोर्चे के उम्मीदवार आजाद उम्मीदवार के तौर के उपर चोण मैदान के उतरन जा रहे हैं। थोड़ी देर दे विच शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी किसानों के वलों जो जथेबंदियों ने मिलकर यह मोर्चा बना पार्टी दे वजों अप्लाई कीता होया सी रजिस्ट्रेशन दे वास्ते लेकिन वो रजिस्ट्रेशन नहीं हुई मानता नहीं मिली पार्टी दे तौर ते ते हुण वड्डा डिसीजन लिया गया है कि आजाद उम्मीदवार दे तौर दे उपर ही इलेक्शन लड़िया जाएगा। अज आखिरी दिन है नामजदगियां दे वास्ते पंजाब अंदर नॉमिनेशन फाइल करन लिए आखिरी दिन है ते इसे दरमियान है वड्डा डिसीजन किसानों के वालों लिया गया है। कई दिनों तो उड़ीक उन्होंने वालों की जा रही थी कि साड़ी पार्टी की रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाए तो सानू मानता मिले उसके बाद चोण निशान उन्होंने जारी होना सी लेकिन हाले तक वो जो पूरी सिस्टम सी प्रक्रिया सी वो कंप्लीट नहीं हो सकी। वड्डे इल्जाम किसान लगा रहे ने आम आदमी पार्टी और बीजेपी के उपर कि इन्होंने अड़िका पाया इन्होंने काम नू होर अगे पाया जिसते करके ये मानता नहीं मिली पार्टी की रजिस्ट्रेशन नहीं हुई ये अड़िका बने इन्हों अपनी जमीन खिसकन का वो चिंता सता रही सी इस लिए यह जिया कोशिशा की गई तो हूँ किसानों ने यह डिसीजन लिया है। किसान अंदोलन के बाद पंजाब चोणा लड़न के वास्ते मैदान च उतरे संयुक्त समाज मोर्चे दियाँ मुश्किलां वध गईयां ने। संयुक्त समाज मोर्चे दे हाले तक सियासी पार्टी के तौर के उपर रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकिया। पंजाब विधानसभा चोणा दे विच संयुक्त समाज मोर्चे के उम्मीदवार आजाद उम्मीदवार के तौर के उपर अपनी नॉमीनेशन फाइल करनगे। पंजाब विधानसभा चोणां लई नॉमीनेशन फाइल करन दी आखिरी तरीक अज यानी 1 फरवरी है। हाले तक संयुक्त समाज मोर्चे का बतौर पार्टी रजिस्ट्रेशन नहीं होया। गुरनाम सिंह झरूणी के नाल मिल के चोणां लड़ रहे बलबीर सिंह राजेवाल की अगुवाई वाले संयुक्त समाज मोर्चे ने हाले तक 102 उम्मीदवारों का ऐलान किया होया है। संयुक्त समाज मोर्चे ने दिसंबर के पंजाब विधानसभा चोणां लड़न का ऐलान किया सी। किसान अंदोलन च शामिल रहे पंजाब दे 32 विचों 22 किसान जथेबंदियों ने चोणां लड़न के वास्ते बलबीर सिंह राजेवाल नूं अपना नेता मन्निया सी। हालांकि इस दे विचों 9 संगठन बाद च चोण लड़न तो पिछे हट गए लेकिन संयुक्त समाज मोर्चे ने 7 जनवरी नूं सियासी पार्टी के गठन के लिए चोण कमिशन नूं एप्लीकेशन दित्ती सी पर चोण कमिशन नूं संयुक्त समाज मोर्चे की एप्लीकेशन दे विच कई आपत्तियां मिलियां खामियां पाईयां गईयां। इस दे बाद संयुक्त समाज मोर्चे दे वल्लों दोबारा एप्लीकेशन पाई गई लेकिन नॉमीनेशन की तरीक तक संयुक्त समाज मोर्चे की जो सियासी पार्टी के तौर के उपर रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकी है। संयुक्त समाज मोर्चे ने चोण कमिशन नूं अपने उम्मीदवारों नूं आजाद उम्मीदवार के तौर के उपर चोण लड़न का ऐलान कर दिता है तो कहा है कि स्थिति दे विच कॉमन सिंबल देने की मंग की है कि आजाद उम्मीदवार लड़ांगे लेकिन कॉमन सिंबल देने की मंग की गई है मिलता या नहीं ये वक्त दसेगा। फिलहाल आजाद उम्मीदवार के तौर के उपर ऐलान कर दिता है संयुक्त समाज मोर्चे ने लड़न का कि जो 102 उम्मीदवार उन्होंने ऐलाने ने बाकी भी सीटों के उपर ऐलाने जाने ने वो सारे आजाद उम्मीदवार के तौर के उपर ही अप्लाई करेंगे नॉमीनेशन फाइल करेंगे। अज नामजदगियां भरन का पंजाब दे विच आखिरी दिन है सारिया सियासी पार्टियां पूरी वाह लगा रही ने। वड्डी जित संयुक्त समाज मोर्चे की हुई दिल्ली के उपर खेती कानून वापस होए उहदे बाद किसान घरां नूं आए तो चोणां लड़न का कुछ जथेबंदियों ने इकट्ठे हो के जो एक संगठन बनाया चोणां लड़न के वास्ते चोण मैदान च उतरन के वास्ते रवायती पार्टियां नूं वड्डियां सियासी पार्टियां नूं चुनौती देण दे वास्ते उसका नाम संयुक्त समाज मोर्चा रखा गया। इस संगठन ने बतौर सियासी पार्टी अप्लाई किया रजिस्ट्रेशन दे वास्ते लेकिन हाले तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुई तो हुण आजाद उम्मीदवार के तौर के उपर चोणां लड़न का फैसला किया गया। सारे उम्मीदवार इस मोर्चे के आजाद तौर के उपर अपनी नॉमीनेशन अज फाइल करेंगे जही जानकारी मिल रही है। थोड़ी देर में शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है जिदे विच स्पष्ट जानकारी संयुक्त समाज मोर्चे का की स्टैंड है हुण उहदे बारे सारयां नूं जाणू करवाया जाएगा। इस तरीके नाल हर वड्डी खबर लई बने रहो दैनिक सवेरा टीवी के नाल।